हाय फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में हम डेरिवेटिव करेंगे रूट सेक एक्स का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? हमारा मेन फंक्शन रूट सेक एक्स है, ओके। और एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? हमारा यहाँ पर रूट सेक एक्स प्लस एच, यही होगा। अभी डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है, इसमें ये वैल्यू हम रख देते हैं, ओके। लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो और रूट सेक एक्स प्लस एच और माइनस रूट सेक एक्स और डिवाइड बाय एच, ओके। सबसे पहले इस टर्म का हम रेशनलाइज कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ रूट सेक एक्स प्लस एच और रूट सेक एक्स से, और इसी से मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ, ओके। तो देखिए अभी मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू क्या होता है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहाँ पर देखिए यही बन रहा है कुछ, ए ये अनरूट सेक एक्स प्लस एच और माइनस रूट सेक, और यहाँ पर देखिए रूट सेक एक्स प्लस एच प्लस रूट सेक। तो ये ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी यही बन रहा है। तो यहाँ हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं ए, और डिवाइड में ऐसे ही चलने देंगे। देखिए लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो रूट सेक एक्स प्लस एच का स्क्वेयर और माइनस रूट सेक एक्स का स्क्वेयर, ओके। और डिवाइड में क्या है हमारे पास यहाँ पर एच, और एच के साथ ही मल्टीप्लाई में क्या आ गया रूट सेक एक्स प्लस एच और प्लस रूट सेक एक्स। अभी देखिए ये स्क्वेयर से ये अनरूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वेयर से अनरूट कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो और सेक हमारा क्या होता है, वन अपॉन कोस लिख देता हूँ मैं सेक को, वन अपॉन कोस एक्स प्लस एच और माइनस वन अपॉन कोस एक्स, इसको वन अपॉन कोस और इसको वन अपॉन कोस एक्स प्लस एच, और डिवाइड में जो है वो सेम चलता रहेगा हमारा एच और इंटू अनरूट और इसके डिवाइड में क्या है हमारे पास यहाँ पर, इसके डिवाइड में वन है हमारा, ओके। इसके डिवाइड में वन लिख देता हूँ मैं। अभी देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, इस कोस एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एच और डिवाइड बाय एच, और सॉरी यहाँ पर डिवाइड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी डिवाइड में, तो कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स, यही होगा।
और इसके हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पलटकर, तो ये क्या होगा हमारे पास, वन अपॉन एच इंटू ये सब आ जाएगा यहाँ पर, सेक एक्स प्लस एच और प्लस अन रूट सेक एक्स। ओके, इसकी उल्ट कर मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं एक पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, लिमिट एस टेन टू ज़ीरो, ऊपर मैं एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ माइनस के साइन, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर मैं माइनस का साइन ऊपर बाहर लेंगा एक, तो ये कोस एक्स प्लस एच है ये प्लस का हो जाएगा, और ये कोस एक्स है ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कोस एक्स। और डिवाइड में ये तो ऐसे का ऐसे ही है हमारा, कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स, और साथ में अभी ये भी आ गया हमारा एच, और इंटू सब मल्टीप्लाई में है तो इनको हम लिख देते हैं सेक। अभी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा ट्रिग्नोमेट्री का, कोस ए माइनस कोस बी इक्वल टू क्या होता है ये फॉर्मूला, माइनस टू शाइन ए प्लस बी डिवाइड बाय टू इंटू शाइन ए माइनस बी डिवाइड बाय टू। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कोस ए की जगह क्या है एक्स प्लस एच, और बी की जगह क्या है यहाँ पर एक्स, ये इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कर रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, माइनस का साइन है और एक माइनस का साइन ये है इस फॉर्मूले में, तो माइनस इंटू माइनस चलो बाद में काट देते हैं, माइनस टू शाइन ए की जगह क्या है एक्स प्लस एच और प्लस एक्स और डिवाइड बाय टू और इंटू शाइन एक्स प्लस एच और माइनस एक्स डिवाइड बाय टू, यहाँ पर भी ब्रैकेट है वैसे, और इसके डिवाइड में क्या है यही हमारा सेम है, कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स इंटू एच और इंटू ये माइनस के साइन से ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा हमारा। और अभी एक काम करता हूँ मैं, इस पूरी टर्म को टू से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, ओके, और इसको टू से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ नीचे डिवाइड में, इसको टू से मैंने डिवाइड किया है और टू से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, जैसे साइन एक्स और एक्स क्या हो गया टू एक्स और डिवाइड बाय टू प्लस एच डिवाइड बाय टू, अलग अलग कर लिया है मैंने, एक्स प्लस एक्स टू एक्स और ये डिवाइड में टू है ये अलग अलग लिख दिया है, इंटू शाइन, साइन का मैं अलग लिखूंगा यहाँ पर। देखिए दो फंक्शन कर लेता हूँ मैं इस पूरी टर्म के, अभी दो फंक्शन पर दोनों पर अब हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, जैसे एक ये ले लिया मैंने और दूसरे में मैं ये ले लूँगा। ओके, और इसके डिवाइड में मैं ये ले लेता हूँ कोश एक्स प्लस एच और इंटू कोस एक्स, और ये भी ले लेता हूँ जो अंडर रूट सीकेंट एक्स प्लस एच और रूट सीकेंट एक्स प्लस एच और प्लस ये रूट सीकेंट एक्स भी ले लिया मैंने। ओके, और सेकंड फंक्शन यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो, और ये बाकी बचा जैसे यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है हमारे पास, लिमिट शाइन एच
डिवाइड बाय 2, और नीचे ये h बचाए और 2 बचाए, तो ये h डिवाइड बाय 2 भी यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। ओके, अभी यहाँ पर h को 0 से अप्रोच करा देता हूँ, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर h इक्वल टू 0, h को 0 से अप्रोच कराऊंगा, h की वैल्यू मैं 0 रखूँगा यहाँ पर, तो देखिए हमारा क्या फंक्शन बन रहा है। h को अगर 0 से अप्रोच कराएंगे तो ये होगा साइन एक्स, ऊपर तो साइन एक्स होगा, और इसके डिवाइड में इसको 0 से अप्रोच कराएंगे तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो क्या होगा, कोस एक्स। ओके, और इनटू यहाँ पर अलग अलग कर कर लिख देता हूँ, ये कोस एक्स 1/cos x साथ में रह गया यहाँ पर, इसको भी अलग अलग कर कर लिख देता हूँ मैं, और 1/ ये क्या हो गया, यहाँ पर 0 रखूँगा, और यहाँ तो 0 है ही नहीं कहीं, तो ये √sec x और +√sec x 2√sec x हो गया हमारा ये। ओके, तो फाइनली हमारा क्या डेरिवेटिव है, देखिए 1/cos क्या क्या होता है, sec x, तो 1/cos की जगह मैं sec x लिख देता हूँ, और sin x डिवाइड बाय cos x क्या होता है हमारा, 10x, तो ये हमारा 10x को हो गया, और बाकी जो डिवाइड में है 2√sec x, इसको ऐसे का ऐसे रहने देते हैं हम, यही हमारा डेरिवेटिव है √sec x का। ओके, sec x इंटू 10x डिवाइड बाय 2√sec x। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बाकी भी डिफ़िकल्ट जो डेरिवेटिव है उन पर भी वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं।